एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस की ड्रोन स्ट्राइक हुई है। कीव के रिहायशी इलाकों में शाहिद ड्रोन से हमला। ड्रोन हमले से बहुमंजिला इमारत में जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद आसमान में उठा आग का गुबार। खार्किव पर रूसी झंडा फहराने वाला है और खार्किव ज़ेलेंस्की के हाथ से जाने वाला है। 24 घंटे में खार्किव में इस्कंदर मिसाइलों से रूस ने जिस तरह से तबाही मचाई है वो इसी बात का ऐलान कर रहा है। खार्किव पर रूस के कब्जे का खतरा मंडराया तो यूक्रेन ने डिफेंस लाइन बनानी शुरू कर दी। ज़ेलेंस्की भी खार्किव पहुंच गए। उन्होंने खार्किव की धरती से अमेरिका से पैट्रियट की मांग की, तो सवाल यही है कि अगर पैट्रियट जल्द ही नहीं मिले तो क्या खार्किव पर रूस का कंट्रोल हो जाएगा? यूक्रेन का बचना अब असंभव हो गया है। यूक्रेनी सेना सरेंडर के द्वार पर पहुंच गई। रूस जिस तरह से हमले कर रहा है उससे यूक्रेनी फोर्स किसी भी वक्त हथियार डाल सकती है। रूसी सेना ने अब यूक्रेन की धरती पर अपग्रेडेड इस्कंदर मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी सेना खार्किव और ओडेसा पर कब्जा करना चाहती है और इसीलिए उसके हमले तेज हो गए हैं। हमले नए हथियारों से किए जा रहे हैं, वो नए हथियार जिन्हें यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। रूसी सेना युद्ध के मैदान में इस्कंदर मिसाइलों से विनाशक हमले कर रही है। इस्कंदर मिसाइलों से एक दो नहीं बल्कि कई फ्रंट पर ताबड़तोड़ धमाके किए जा रहे हैं। सुमी में रूसी सेना ने यूक्रेन के मिलिट्री डिपो पर इस्कंदर मिसाइलों से प्रहार किया। हमले में यूक्रेन के 30 होविट्जर तोप तबाह हो गए। ज़ेपोरिज़्या में रूस ने यूक्रेन के ड्रोन डिपो पर इस्कंदर मिसाइलें दागी। हमले में यूक्रेन के दर्जनों ड्रोन बर्बाद हो गए। डोनेस में रूस ने इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन की हथियार फैक्ट्री को टारगेट किया। ओडेसा में रूसी फौज ने यूक्रेन के रडार स्टेशन को तहस नहस कर दिया। खार्किव में रूस ने इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन के MLRS सिस्टम को मलबा बना दिया। सबसे भीषण लड़ाई खार्किव में हो रही। रूसी सेना खार्किव पर कब्जा करने के लिए हमला कर रही है तो यूक्रेनी सेना इसे बचाने में जुटी। यही वजह है कि खार्किव की धरती पर बहुत बड़ा विनाश हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि खार्किव का हाल भी बाखमुत जैसा होने जा रहा है। पूरा शहर खंडहर बन सकता है। खार्किव को बचाने के लिए यूक्रेन ने डिफेंस लाइन तैयार की है। खार्किव में यूक्रेनी सेना की तैयारियों का जायजा लेने खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पहुंचे। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि उनकी सेना खार्किव को बचाने में जी जान से जुटी है। Пишаюся нашими харків'янами. Я вдячний кожному і кожній, хто цими тижнями працював, щоб дати Харкову області більше електрики, щоб дати більше захисту від російських ударів.
доповідали щодо фізичного захисту енергооб'єктів, відновлення мереж. Зараз створюються всі необхідні. Зеленський जिस वक्त खारकीव में थे, उसी वक्त रूस ने खारकीव के सिटी सेंटर को दहला दिया। रूसी सेना ने एक के बाद एक दो इस्कंदर मिसाइलें दागी। हमले में सिटी सेंटर को बड़ा नुकसान पहुंचा है।